हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार स्वागत करता हूँ आपका स्माइल मेकर। दोस्तों, ये क्लास आपको मालूम है टेंथ क्लास की, ठीक है, मैथ यानी कि मैथ की टेंथ क्लास है, ठीक है। और हम इसमें चैप्टर जो कवर कर रहे हैं वो कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 यानी कि निर्देशांक ज्यामिति के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो उसके हमने पहले स्ट्रक्चर यानी कि देखा, इंट्रोडक्शन यानी कि किस प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज जो हम कवर कर रहे हैं वो कर रहे हैं 7.1, ओके। हमने कितने क्वेश्चन कर लिए इसके, सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड किया, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फोर्थ किया। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और 6 करेंगे, ठीक है। मैंने दोस्तों आपको एक क्लास में जब आप आए थे, ठीक है, मैंने तभी स्टार्टिंग में बोला था कि जब भी आप एक क्लास देखें तो आपके पास बुक होना अनिवार्य है, ताकि मैं आपको क्वेश्चन लिखवाऊं और आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ सके, ठीक है, कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी किसी बात की। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, ठीक है, सिर्फ सॉल्यूशन देखा है, ठीक है, तो आपको सॉल्यूशन भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको मालूम है क्वेश्चन को जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है, तो आपको मालूम ही नहीं होगा कि हमें करना क्या है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है जो बेस होता है गणित की क्लास में, वो होता है क्वेश्चन को रीड करना, यानी कि क्वेश्चन को पढ़ना आना चाहिए, यानी कि हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज बोल क्या रही है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। जाहिर सी बात है आपको कि क्वेश्चन अगर मान लीजिए ये तो मेथड है, मेथड सीखना अलग बात है, क्वेश्चन को पढ़ना एक अलग बात है। क्वेश्चन को पढ़ मेथड तो आप सीख लोगे, लेकिन क्वेश्चन को आप स्वयं ही सीख सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाँ हम आपको क्वेश्चन पढ़ेंगे बार बार हो तो आपको पता लग जाएगा, ऐसा नहीं। जब तक आप स्वयं नहीं क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको मालूम ही नहीं होगा कि क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, देखना आप 5 नंबर का, ठीक है, आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है देखने में, लेकिन आप जब ये क्लास देखें तो आप एक बार अपनी बुक भी पास रखें, ठीक है, ताकि आप ये क्वेश्चन अपनी बुक में पढ़ें, ठीक है। मैं आपको सिर्फ सॉल्यूशन कराऊंगा यहाँ पे, ठीक है। ये चित्र इसलिए बनाया क्योंकि इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इनके 5 नंबर के क्वेश्चन से ये चित्र बेस है, ठीक है, यानी कि चित्र ही 5 नंबर का है, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे इसको, देखो आप अपनी बुक में देखें, ठीक है, अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 7.1 यानी कि एक्सरसाइज 7.1 का, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठा है, ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है, यानी कि जो आपके एक्सरसाइज में दिया गया है आकृति 7.8 वो ये है, ठीक है, ये दर्शाया गया है। मैं एक बार आपको बता दूं किस प्रकार से दर्शाया गया है, रेड बिंदु से करके पॉइंट, ठीक है दोस्तों, ये 4 और 3 पर है, एक तो बिंदु है ये, ठीक है, और एक बिंदु है ये, ठीक है, एक बिंदु है ये और एक बिंदु है ये वाला, ठीक, एक बिंदु है डी, ये वाला बिंदु है, ठीक है। इसका नाम क्या है, ये है ए बिंदु, ए बी सी डी, ये है ए, ये है बी और ये है सी और ये है डी, ठीक है। आपने देखा इस प्रकार से ए बी सी डी, उसी में ये दर्शाया गया, ठीक है, दर्शाया गया है चाप और चमेली, क्या है, चंपा और चमेली होता है, चंपा, हाँ, क्या है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है, यानी कि ए बी सी डी एक वर्ग है, वो चंपा चमेली से कह रही है, ठीक है, चमेली इससे सहमत नहीं है, ठीक है, दूरी का सूत्र प्रयोग करके बताए कि कौन सही है, यानी कि चंपा सही है या चमेली सही है, यानी कि हमें सिद्ध करना है
अगर चंपा सही कह रही है कि एक वर्ग है तो क्या सिद्ध करना है, सभी भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी, यानी कि ए भी बराबर के होंगी बी सी के। ठीक है, अभी देखना पड़ेगा कैसे बनता है। ठीक, मान लीजिए हमने इस प्रकार से मिला है, ये दे रखा था, अब देखना है इसको हम कैसे मानते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये इस तरह से किया हमने, अब किया किस प्रकार से, इस प्रकार से फिर हमने ये किया, और फिर हम करते हैं किस प्रकार से। ठीक है, यानी कि ये जो वर्ग बन रहा है, ये चंपा बोल रही है कि ये वर्ग है या नहीं। ठीक है, वो कह रही है अभी मालूम नहीं क्या होगा, तो हम इसको क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। किस प्रकार से करेंगे, आपने देखा इन बिंदुओं को कैसे निकालेंगे, बस ये देखना, बस ये है समझने की चीज इसमें। ओके, अब देखना यह है ए बिंदु, इस बिंदु पे क्या निकलेगा सबसे पहले। अगर आपने ये एक्स अक्ष माना और ये वाई अक्ष, ये है मूल बिंदु, यानी कि जीरो जीरो है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है वाई है और ये क्या है एक्स, एक्स अक्ष, इतना कंफर्म है आपको मालूम है कि इस बिंदु पे सबसे पहले क्या आएगा, एक्स आएगा फिर वाई आएगा, क्योंकि सबसे पहले क्या आती है, भुज आती है, कोटि आती है। ठीक है, तो ए बिंदु कैसे निकालेंगे हम, ये देखा आपने कहाँ पे है तीन बिंदु और ये यहाँ पे कहाँ फोर पे काट रहे थे, तो इस बिंदु का नाम होगा थ्री और फोर। ठीक है, थ्री और फोर होगा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को भी। अब हमने देखा ये वाला बिंदु, चलो बी देखते हैं। अब बी देखो, इधर से देखो किस लाइन पे है, एक दो तीन चार पाँच, यह है सिक्स पे। ठीक है, सिक्स है और ऊपर देखा हमने चल के, एक दो तीन चार पाँच छः सात, तो यानी कि कितना आ गया इसका बिंदु का नाम, सिक्स और सेवन, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखते हैं सी वाला बिंदु, हम इधर से बढ़े सबसे पहले बुझ पे, तो ये देखा नाइन आ रहा है तो हमने नाइन लिखा कोमा, अब देखा ये कौन से बिंदु पे, इधर से, तो नाइन कोमा कितना फोर, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को भी। अब हम देखते हैं डी वाला पॉइंट, यानी कि हम इधर से लग गई है कितने पे, सिक्स पे, तो यानी कि सिक्स और ये देखा हमने ये है वन, तो बिंदु आ चुके हैं हमारे सभी बिंदु। देखा हमने किस प्रकार से निकाले, ए हमने किस प्रकार से निकाला, इस भुजा से चले यानी कि जीरो से चले, एक दो तीन देखा इस बिंदु पे है ये, यानी कि थ्री पे, और ऊपर की ओर बढ़े तो चार, यानी कि थ्री कोमा चार, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए भी आ चुका है, बी भी, सी भी और डी। अब देखते हैं वर्ग, वर्ग की जो प्रॉपर्टीज है, यानी कि उसकी डेफिनेट या पहचान क्या होती है, यानी कि वर्ग होगा तो सभी भुजाएं क्या होगी, इक्वल होगी, तभी तो वर्ग होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं भुजा को निकालने के लिए, यानी कि हमने पिछले भी क्लास में जो क्वेश्चन किए थे, हम भुजा किस प्रकार से निकालते हैं, यानी कि उन बिंदुओं के बीच की दूरी को अगर निकाल लेंगे तो वही क्या हो जाएगी, भुजा की लेंथ या लंबाई हो जाएगी। ठीक है, तो हम निकालते हैं किसकी, सबसे पहले ए बी की निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन ए बी। ठीक है, यानी कि सोल्यूशन करते हैं हम अपना ए बी बिंदुओं के बीच की, के बीच दूरी। ठीक है, ए बी कौन कौन से बिंदु हैं, अब ये देखते हैं, ए ये है कितना है, ए कितना है हमारे पास थ्री कॉमा फोर, और बी कितना है हमारे पास, बी है सिक्स कॉमा सेवन, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखते हैं ठीक है दोस्तों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो चुकी थी, माइक थोड़ा गड़बड़ हो रहा था। ठीक है, अब देखते हैं इसमें x दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, मैं एक ही बार लिखूंगा। ठीक है, फिर लिख देते हैं क्या लिखेंगे, फिर सूत्रानुसार, सूत्रानुसार। ओके स्टूडेंट्स, सूत्रानुसार यानी कि d बराबर कितना होता है, अंडर रूट एप्सिलॉन
एक्स टू माइनस के एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस कितना वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, कितना है हमारे पास एक्स वन है वाई वन एक्स टू वाई। ओके अब लगाते हैं फॉर्मूला, यानी कि डी बराबर के कितना लगाएंगे अंडर रूट एक्स टू कितना है सिक्स माइनस एक्स वन है थ्री का होल स्क्वायर प्लस किया हमने y2 कितना है हमारे पास 7 है माइनस y1 कितना है 4 है। ठीक है अंडर रूट किया हमने तो ये कितना आया 3 का स्क्वायर प्लस ये कितना आया 7 माइनस 4 करेंगे 3 का स्क्वायर। ठीक है अब ये देखा हमने कितना आ चुका है 3 9 प्लस 3 9 तो कितना आ चुका है 18। ये है कितना रूट 18 को रूट 18 को कैसे लिख सकते हैं। अब आप ये देखो ये 18 है हमारे पास। ठीक है इस बार मैं सिर्फ आपको करके दिखा रहा हूँ, फिर हम डायरेक्टली लिखेंगे किस प्रकार से। अब देखा हमने दो ने 18 किया फिर कितने से जाएगा 3 से 3 दिया 9 और फिर ये कितना 1। अब हमारे पास कितना है 2 गुना 3 गुना 3 जोड़ा किसका बन रहा है इसका तो ये बाहर आएगा तो 3 रूट 2। हम इसको लिख सकते हैं कितना 18 को लिख सकते हैं कितना 2 3 रूट 2 और ये किसके बराबर आया है ये है ए बी, ये ए बी बराबर आ चुका है हमारे पास। ठीक है ए बी कितना आ चुका है 3 रूट 2। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है दोस्तों ये हमने देखा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम रफ्तार नहीं पकड़ रहे, यानी कि आपको मालूम ऐसा लग रहा है कि हम थोड़ी रफ्तार से नहीं कर रहे हैं गति से नहीं कर रहे हैं तो आप वीडियो में कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, फिर हम आपको स्पीड से कराएंगे। मैं आप सभी बच्चों को लेकर चल रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप पहली दफ़ा इसको पढ़ रहे हैं या आप बिल्कुल नहीं जानते। ठीक है क्योंकि ये चीज़ें आपको एक बार आ गई तो आपको कुछ भी क्वेश्चन में दे दे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ आपको मेथड बताए किस प्रकार से हमें करना है। ठीक है इसीलिए पहली पहले टाइप का क्वेश्चन है इस तरीके से, इसलिए इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा वरना फिर हम डायरेक्टली सॉल्व करें। ठीक है दोस्तों ए बी लिया फिर लेंगे क्या ये भुजा बी सी, इसके लिए करेंगे बी सी बिंदुओं के बीच दूरी। ओके यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बी सी देखो बी कितना है हमारे पास, बी तो हमें मालूम है कितना है 6 है और 7 है और फिर सी कितना है हमारे पास सी है 9 और 4 कितना है 9 कोमा 4। ठीक है तो फिर क्या लगाते हैं इसमें सूत्रानुसार करते हैं। ठीक है और ये पॉइंट नंबर फर्स्ट था और ये पॉइंट नंबर सेकंड है और ये क्या किया हमने सूत्रानुसार किया। सूत्रानुसार यानी कि d बराबर के कितना होता है अंडर रूट x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं मिली होगी तो डायरेक्टली हम मान रखेंगे। ठीक है अब मान रखते हैं d बराबर के कितना होगा अंडर रूट किया हमने x2 माइनस के x1, ये x1 होगा ये y1 x2 होगा ये 2। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं x2 कितना है हमारे पास 9 है और x1 कितना है 6 तो इसका स्क्वायर वो प्लस किया हमने y2 कितना है हमारे पास 4 है माइनस किया और y1 कितना है 3 नहीं 7 कितना है 7। ओके प्लस स्क्वायर तो जब d बराबर करेंगे हम तो कितना आएगा 3 का स्क्वायर प्लस ये कितना माइनस के 3 का स्क्वायर और ये किस प्रकार से ये 9 ये प्लस के कितना ये भी 9 और टोटल कितना रूट 18 रूट 18 कितना 3 रूट 2 और ये किसके बराबर आ चुका है बी सी के। तो बी सी भी मालूम हुआ हमें कितनी आ चुकी है बी सी भी भुजा हमारी 3 रूट 2। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगा ठीक है हम निकालेंगे क्या सी और डी, क्या निकालते हैं सी और डी। ठीक है तो सी और डी बिंदुओं
बिंदुओं के बीच दूरी। ठीक है दोस्तों, क्या निकालते हैं बिंदुओं के बीच। अब सी कितना है हमारे पास, मालूम है हमें कितना है, 9.4 है। ठीक है, और डी कितना है हमारे पास, 6.1। ठीक है, ये है। तो लगाते हैं सूत्रानुसार, करते हैं सूत्रानुसार, डी बराबर के अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब करते हैं क्या, मान लगते हैं इसमें, तो यानी कि डी बराबर की कितना हो जाएगा, अंडर रूट किया x2 कितना है, ये x1 होगा, ये y1, ये x2, ये y2। x2 कितना है 6, माइनस x1 कितना है 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 माइनस के, ये 4। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमने देखा 6 माइनस के 9 3 का स्क्वायर प्लस ये कितना माइनस के 3 का स्क्वायर। ओके, अब क्या करते हैं, 9 प्लस ये कितना 9, अब ये कितना टोटल 18, और इस 18 को हम क्या लिख सकते हैं 3√2, और ये किसके बराबर आ चुका है, सी और डी। तो हमने देखा सी डी भी कितना आ चुका है हमारा, सी डी भी 3√2 आ चुका है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अब क्या करेंगे, ये क्या डी और ए भुजा रह चुकी है, तो क्या करते हैं, डी ए बिंदुओं के बीच दूरी। ठीक है, डी ए बिंदुओं के बीच दूरी, डी कितना है हमारे पास, 6.1, और ए कितना है हमारे पास, 3.4। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करते हैं, इसमें भी सूत्र लगाते हैं क्या, यानी कि सूत्रानुसार, सूत्रानुसार डी बराबर के कितना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अब क्या करेंगे, अब ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक, अब ये करते हैं हम डी बराबर के रूट x2 कितना है हमारे पास, 3 माइनस कितना 6 का होल स्क्वायर प्लस किया y2 कितना है 4 माइनस के 1। ठीक है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमने देखा 3, तो माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस कितना, ये 3 का स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 + 9, और ये टोटल 18, और ये टोटल कितना 3√2, और ये किसके बराबर आ चुका है, डी ए। तो हमने देखा किस प्रकार से सॉल्यूशन किया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम क्या करेंगे, ये हमने देख लिया, यानी कि अब देखते हैं हम भुजा कितनी आ चुकी है हमारी, ए बी बराबर के भी √3 आ चुकी, 3√2 आ चुका है, बी सी बराबर भी 3√2, और सी डी बराबर भी 3√2, और डी ए बराबर भी 3। तो क्या आया, सभी भुजा समान आ चुकी है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं, सभी भुजा क्या आ चुकी है, बिल्कुल समान, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आपको। तो हमने देखा किस प्रकार से हमने 5 क्वेश्चन किया। अब इस क्वेश्चन में टाइम इसीलिए इतना लगा क्योंकि ये सब कुछ आपको समझाना था, इनके बिंदु हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अगर हमें ओनली ए बिंदु दे रखा है तो हमने 3.4 कैसे दिया, सबसे पहले इस भुजा पे गए, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, आपको मालूम है बिंदु निकालने के लिए सबसे पहले क्या, भुजा, और फिर क्या, कोटि। भुज को हम क्या बनाते हैं, एक्स अक्ष पे, और कोटि को वाई अक्ष। ठीक है, कोटि को कहां पे नापते हैं, वाई अक्ष, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं, ये एक्स अक्ष पे और ये वाई अक्ष पर। ठीक है, अब ये देखो x अक्ष पे क्या है, 3, तो सबसे पहले 3 पे गए, 3 है, फिर देखा कोटि कितने हैं y अक्ष पर, तो y अक्ष पर देखा हमने 4 है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन ही नहीं किसी भी प्रकार का। ठीक है, तो हमने देखा किस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया एक बार आप। अब ये देखो ये क्या कह रहे थे कि दूरी का सूत्र प्रयोग करके बताए कि इनमें से कौन सही है,
अब देखो चंपा और चमेली कक्षा में अंतर जाती है और कुछ मिनट के बाद देखने चंपा चमेली से कहती है क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है। ठीक है चंपा कहती है तो कौन सही है इनमें जो ये बोल रही है कि ये एक वर्ग है। अब क्या वर्ग की पूरी डेफिनेशन क्या होती है जिसकी सभी भुजाएं क्या हो समान है उसको हम वर्ग बोलते हैं और इसको हम कैसे लिख सकते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए और बराबर के कितना है 3√2। तो इससे क्या सिद्ध होता है यह इसीलिए यह एक वर्ग। ओके स्टूडेंट ये आपके लिए नोट यह नोट ठीक है ये आप नोट करके लिख सकते हैं वरना हमारा जो राइट आंसर है ये हमने क्या कर दिया रूट। ठीक है तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें फिर हम आपको कुछ और जानकारी देते हैं। तो दोस्तों देखा हमने इस क्वेश्चन में टाइम इसीलिए लगा है ताकि अगले जो क्वेश्चन हम आपको कराएंगे उसमें समय ना लग पाए क्योंकि हम आपको उसमें हर चीज नहीं बताएंगे कौन लिए सूत्र भी नहीं बताएंगे एक ही बार लिखेंगे सीधा फॉर्मूला ये लगाएंगे और फिर सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और दोस्तों एक बात और आपसे शेयर करनी थी कुछ दिनों तक आपको शायद 10th क्लास की मैथ या साइंस की वीडियो नहीं मिल पाएगी। ठीक है उसका कुछ कारण है क्योंकि हमारे साथ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो चुकी है। ठीक है तो उसको दूर करने में लगभग जितना भी समय लगेगा हम आपको सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी माध्यम से आपको तक ये संदेश पहुंचा देंगे। ठीक है बस आपका उद्देश्य है कि धैर्य बनाए रखें क्योंकि हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपको 70 में से 70 मार्क्स दिला और हम दिलाकर ही रहेंगे। ठीक है आपको मैंने इसलिए बताया ताकि आप ये ना समझे कि बिना बताए क्लास ऑफ कर दी। ठीक है उसका कुछ कारण हो सकता है कि आपको क्लास नहीं मिल पाए। ठीक है उसका कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है ताकि आपको अच्छे से हर चीज कवर करा दी। ठीक है बस आपको क्या रखनी है उम्मीद रखनी है हमसे कि हाँ और विश्वास रखना कि हाँ जब बोला है तो करके हम जरूर दिखाएंगे। ठीक है तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को और अगर आपको क्लास नहीं मिली तो आप पुरानी क्लासों को देख के रिवाइज कर सकते हैं तब तक क्योंकि जब तक आपको नेक्स्ट क्लासे मिले। ठीक है अब तक हमने जितने चैप्टर कर लिए बस एक बार आप उनका रिवाइज कर ले फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको जल्दी ही ये टेक्निकल प्रॉब्लम से दूर कर देंगे। ठीक है यानी कि आपके सामने उपस्थित होंगे हम ये नहीं चाहते कि आपको कुछ भी हम करें आपसे को बताए बिना। ठीक है क्योंकि आपको फिर बुरा लगेगा कि बीच में छोड़ के भाग चुके हैं। ठीक है हम आपको छोड़ेंगे नहीं क्योंकि आपका जब तक हाथ जब हमने हाथ पकड़ा है तो बिल्कुल पाँव ही लगा के को छोड़ें। ठीक है दोस्तों उम्मीद करते हैं आप हमारे साथ देंगे। ठीक है और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखेंगे जैसे कि अब तक आपने अपना प्यार बनाए रखा। ठीक है दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद।